हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पेंटू टेक टिप्स। तो एनवीडिया दोस्तों अपने नए GTX 1080 एंड 1070 रिलीज़ कर चुका है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस में। और जैसे कि हम सबको पता है दोस्तों, इंडिया में हाई एंड कार्ड खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि दोस्तों इंडिया में काफ़ी सारे टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और भी सारी चीज़ें लगती हैं जो आपको पता होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। एनवीडिया के 1080 एंड 1070 सक्सेसफुल रिलीज़ के बाद अब एनवीडिया जल्द ही लॉन्च करने वाला है अपने नए GTX 1080 Ti वर्जन, जो कि एक बीस्ट होगा परफॉर्मेंस में। आप इसे टाइटन एक्स पास्कल के बड़ा भाई भी कह सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। ये बना है लेटेस्ट 16 नैनोमीटर GP102 GPU चिपसेट पर, जिसमें आपको मिलेंगे 3328 CUDA कोर्स, 208 टेक्सचर मैपिंग यूनिट्स, 106 रेंडर आउटपुट यूनिट्स। अगर मैं इसकी बेस क्लॉक की बात करूँ तो वो है 1.5 GHz, और आप इसे बूस्ट क्लॉक कर सकते हैं 1.6 GHz तक। इसके बाद भी आप इसे काफ़ी हद तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगी 10 टेराफ्लॉप्स की कंप्यूट हाउस पावर, इसके साथ साथ 12 GB ऑफ GDDR5X 384 मेमोरी विथ के इंटरफेस के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों मल्टीटास्किंग और हैवी गेमिंग के लिए। और ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए सिर्फ आपको यूज़ करेगा ये 250 वॉट्स की पावर कंजप्शन, जो कि कार्ड को काफ़ी कूल और एफिशिएंट बनाता है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे 12 बिलियन ट्रांजिस्टर्स मिलते हैं, जो पिछले GTX 1080 के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो ये सिर्फ टाइटन एक्स से थोड़ा सा ही कम है। और अगर ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस में काम आएगा, हालांकि ये ग्राफिक कार्ड 2017 में जनवरी के आसपास लॉन्च होगा। अगर इसकी कॉस्ट तो एनवीडिया ने अभी बताई नहीं है दोस्तों, कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। ये डायरेक्टली दोस्तों कम्पीट करेगा आने वाले AMD के अपकमिंग वेगा 10 हाई एंड ग्राफिक कार्ड के साथ, तो शायद RX 500 सीरीज होगी उसके साथ कम्पीट करेगा। तो दोस्तों दोनों के दोनों कार्ड बहुत ही हाई परफॉर्मेंस होंगे, और तभी हमें देखने को मिलेंगे जब ये रिलीज़ हो जाएंगे, तभी इनकी परफॉर्मेंस हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। और दोस्तों ये अगर अवेलेबल हो तो काफ़ी इजीली अवेलेबल हो और चीप हो, ताकि हर कोई खरीद सके, तभी दोस्तों हम लोग इंडिया में खरीद पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, एक 1080 Ti न्यू वर्जन आ रहा है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में।